मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ऐसी दो टेक्निक जिसके थ्रू हम अपने इंटरेस्ट अमाउंट में कटने वाले TDS को बचा सकते हैं। उन टेक्निक में से जो पहला टेक्निक था उसमें मैंने आपको बताया था हम अपने TDS अमाउंट को बचा सकते हैं बाय सबमिटिंग 15H और 15G फॉर्म्स को। उसके बारे में मैंने आपको उस वीडियो में अच्छी तरह से समझाया था। अगर आपने उस वीडियो को देखा तो ठीक है, आपको पता ही है किस तरह से फॉर्म 15H या फिर 15G हमारे TDS को बचाती है कटने से इन एडवांस फ्रॉम आवर इंटरेस्ट इनकम। और अगर नहीं देखा तो ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो की लिंक दे देता हूँ। उस वीडियो को देने के बाद मेरी बहुत से लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया मुझे विस्तार से समझाने के लिए कि 15G या फिर 15H को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं एज इंटरेस्ट इनकम, मतलब कैसे हम 15G या फिर 15H को सबमिट करके अपने TDS अमाउंट को कटने से बचा सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए और उस वीडियो में मैं एक चार ऐसे एग्जाम्पल दूंगा आपको दिखाकर, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितने इंटरेस्ट अमाउंट मिलने पर आप 15G या फिर 15H को सबमिट करते हैं और सबमिट करने पर आपकी TDS अमाउंट को कटने से बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वो चार एग्जाम्पल दिखा दूंगा जिससे कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा फॉर्म 15G या फिर फॉर्म 15H का जो भी इम्पोर्टेंस है वो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल बिराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है फॉर्म 15G हम किसी भी इंडिविजुअल के लिए फाइल कर सकते हैं जिसकी उम्र 60 साल से नीचे है और फॉर्म 15H को केवल और केवल हम सीनियर सिटीजन के लिए ही सबमिट कर सकते हैं। यहाँ मैंने चार ऐसे एग्जाम्पल सेट किए हुए हैं जहाँ मैंने नाम के तौर पर चार ऐसे दिखाया है, चार ऐसे इंसानों के बारे में जिसकी उम्र के हिसाब से मैंने डिवाइड करके आपको बताया है। तो पहले मैंने नाम दिया हुआ है आकाश, विकास, आरती और भारती। तो यहाँ एज आकाश की जो एज है वो है 50 साल, विकास की जो एज है वो है 21 साल, आरती की जो एज है वो है 65 साल और भारती की जो एज है वो है 68 साल। तो यहाँ दो ऐसे आदमी हैं जो फॉर्म 15G को सबमिट कर रहे हैं, आकाश और विकास, क्योंकि उनकी उम्र 60 सालों के नीचे है, और आरती और भारती फॉर्म 15H को सबमिट करेंगे क्योंकि उनकी उम्र 60 सालों से ऊपर है। सैलरी पहले देख लेते हैं आकाश फॉर्म 15G कैसे सबमिट कर सकते हैं। आकाश की सैलरी है टोटल साल की 1,80,000 रुपये। पेंशन उनको मिलेगी नहीं क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है नहीं। फिक्स डिपॉजिट जो भी इंटरेस्ट इनकम है उनकी वो है 80,000, मतलब 80,000 उनकी इंटरेस्ट इनकम मिलती है उन्हें अपने फिक्स डिपॉजिट पर। तो सैलरी है 1,80,000 और फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट इनकम है 80,000, टोटल इनकम हो जाती है दोनों को मिलाकर 2,60,000। डिडक्शन अंडर 80C, मतलब इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड 80C के अंदर उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 40,000 तक इन्वेस्टमेंट कर रखा है पकड़ लीजिए, तो टैक्सेबल इनकम हो जाती है उनकी 2,20,000 रुपये। अब हमें जैसे पता है कि फॉर्म 15G के लिए जो मैक्सिमम एग्जेम्पशन है वो है 2,50,000 रुपये और इनकी जो टोटल इनकम है वो है फिक्स डिपॉजिट की वो है 80,000 रुपये, तो वो 2,50,000 रुपये के अंदर गिर जाती है। तो उस सिचुएशन में उनको TDS अब 15G वो फाइल कर सकते हैं और 15G फाइल करने पर उनकी TDS अब नहीं कटेगी क्योंकि उनकी जो भी इंटरेस्ट अमाउंट है वो लेस देन उनकी मिनिमम एग्जेम्प्ट अमाउंट पर गिरती है। यहाँ देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में लिखा है फॉर्म 15G कैन बी सबमिटेड एज एज इज लेस देन 60 ईयर्स, टोटल टैक्स इज नील एंड इंटरेस्ट इनकम इज लेस देन मिनिमम एग्जेम्प्ट इनकम। अब चलिए चल लेते हैं हम विकास की तरफ। विकास की उम्र 21 साल है, वो कुछ भी नौकरी नहीं कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट पर उनकी जो भी अर्निंग है ओनली फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट इनकम है उनकी 2,70,000 रुपये और टोटल इनकम 2,70,000 ही होगी। डिडक्शन पकड़ लीजिए उनकी इन्वेस्टमेंट कर रखा है 30,000 तक उनकी 80C के अंदर है, तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट 2,40,000 हो जाएगी, 2,70,000 से जो डिडक्शन है वो माइनस हो जाती है और उनकी मिनिमम एग्जेम्प्ट इनकम है 2,50,000 रुपये जो कि इंटरेस्ट इनकम है 15G के तहत उनको एग्जेम्पशन मिल जाती है। उस सिचुएशन में वो 15G सबमिट नहीं कर पाएंगे, ना ही 15H तो ऐसे भी नहीं कर सकते क्योंकि वो नॉर्मल है, 60 साल से नीचे है।
15 जी कैनॉट बी सबमिटेड सीट्स इंटरेस्ट इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो हमें पता ही है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपये, और इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं उनकी जो भी फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट इनकम है वो 2.5 लाख से ऊपर है, 2,70,000, तो वो इस सिचुएशन में 15G को सबमिट नहीं कर सकते। अब चलते हैं सीनियर सिटीजन 2 आरटी और भारती 65 ईयर्स, पेंशन उनको 1 लाख मिल रही है आरटी को, फिक्स डिपॉजिट की 1,80,000 रुपये उनको टोटल मिल रही है, तो उनकी टोटल डिडक्शन जो भी इनकम अमाउंट है वो 2,80,000 है, और हमें पता है 15H के तहत 3 लाख तक हमें एग्जेम्पशन लिमिट है। तो इस सिचुएशन में फॉर्म 15H वो सबमिट कर सकती है, डिडक्शन है कुछ भी है टैक्सेबल अमाउंट है जो भी है, लेकिन इस सिचुएशन में जबकि उनकी टोटल इनकम अमाउंट 2,80,000 है, 3 लाख से नीचे है, तो वो कर सकते हैं फॉर्म 15H को फाइल। यहाँ देखिए फॉर्म 15H कैन बी सबमिटेड इफ एज इज मोर देन 60 ईयर्स एंड टैक्स कैलकुलेट टोटल इनकम इज नील, क्योंकि 3 लाख से नीचे है। अब वही भारतीय है 68 ईयर्स है उनकी एज, फिक्स डिपॉजिट की उनकी इनकम है 3,30,000, तो मतलब 3 लाख की जो भी बैरियर है उसे वो क्रॉस करती है, मतलब मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस कर देती है, तो इस सिचुएशन में कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, वो फॉर्म 15H को फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो भी टोटल इंटरेस्ट इनकम है वो जो मैक्सिमम एग्जम्पशन है उसे क्रॉस कर जाती है। तो इस सिचुएशन में आप देखिए जो आकाश की थी वो 80,000 थी, क्योंकि वो 2,50,000 से नीचे थी तो वो फॉर्म 15G दे सकते हैं, विकास की 2,70,000 है तो 2,50,000 से ऊपर है तो वो फॉर्म 15G नहीं फाइल कर सकते, सबमिट नहीं कर सकते। आरती जी की थी 1,80,000 रुपये, सीनियर सिटीजन 3 लाख तक है तो वो कर सकती है, और भारतीय की 3,30,000 रुपये, सीनियर सिटीजन 3 लाख से ऊपर है तो वो नहीं कर सकते। तो ये थी वो 4 एग्जाम्पल जिसको मैंने उम्र के हिसाब से डिवाइड करके आपको दिखाया कि इंटरेस्ट अमाउंट हमारी कितनी एक साल में जनरेट होने पर हम फॉर्म 15G या फिर 15H को सबमिट कर सकते हैं, और वो सबमिट करने के बाद हमारी TDS अमाउंट किस तरह से बच जाती है कटने से इन एडवांस। आशा है इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।